हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन टूडेज बायोलॉजी क्लास सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द लेसन इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस सो प्रीवियस क्लास में हमने जो स्टार्ट किया था डिस्कशन जहाँ पे हमने कुछ अप्रोचेस पढ़े थे क्रॉप ईल्ड को इंक्रीज करने के लिए तो उसमें से जो फर्स्ट वन था वो है क्रॉप वराइटी इम्प्रूवमेंट सेकेंड वन जो है वो है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड थर्ड वन इज़ क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट सो प्रीवियस क्लास में हमने क्रॉप वराइटी इम्प्रूवमेंट ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट किया है तो इस क्लास में हम सेकेंड अप्रोच जो है क्रॉप इल्ड को इन्हांस करने का तो वो है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट तो वो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो इसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट है उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैन्यूर्स ये थ्री जो पॉइंट्स है ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं सो so, जो क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट होता है तो इसमें कुछ प्रैक्टिसेस जो कि फार्मर्स कैरिड आउट करते हैं to achieve higher standards of crop production. तो ऐसे कौन से practices हैं जो कि crop production का जो crop production जो है वो increase करने के लिए ये जो farmers हैं ये carried out करते हैं इन practices को. तो इसमें आता है nutrient management, irrigation and cropping patterns. तो आज के class में हम ये प्रैक्टिस से सिर्फ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का जो पार्ट है ये आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लेने वाले इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट तो प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स आर एटोट्रॉप एटोट्रॉप्स एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस वो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस की तो उस प्रोसेस से ये जो प्लांट्स है ये फूड अपना प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट्स का यानी कि जो ग्लूकोज फॉर्म होता है तो उसको स्टोर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में बट अदर देन ग्लूकोज या अदर देन कार्बोहाइड्रेट के सोर्स जो अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है प्लांट्स के लिए तो वो रिक्वायरमेंट जो है ये कैसे फुलफिल होती है तो इसके लिए थ्री सोर्सेस है जैसे कि एयर वॉटर एंड सॉइल तो अगर हम एयर की बात करते हैं एज अ सोर्स तो उसमें से कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है इसका सप्लाई होता है प्लांट्स को तो जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव के स्ट्रक्चर पे तो उसको कहा जाता है स्टोमैटल पॉर्स स्मॉल न्यूमेरस पोर्स जो होते हैं लिव्स पे तो इन पोर्स के हेल्प से क्या होता है ये गैसेस का एक्सचेंज होता है तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन ये जो न्यूट्रियट है तो ये इनका सोर्स है एयर और इसमें से ये प्लांट्स को यहाँ पे ये मिलते हैं तो नेक्स्ट सोर्स जो है वो है वाटर तो वाटर से हमें मिलने वाला है प्लांट्स को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर से मिलता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो जैसे कि ह्यूमंस का एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए हमारे बॉडी के लिए भी जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है तो उसमें भी टू टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं माइक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो जो माइक्रो हमारे लिए रिक्वायर्ड है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं फैट्स आते हैं लिपिड्स आते हैं तो जो कि एनर्जी का सोर्स जो है या ये मेन सोर्सेस होते हैं एनर्जी का जो कि हमारे बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं वैसे ही प्लांट जो है प्लांट्स के लिए भी कुछ माइक्रो न्यूट्रियट्स रिक्वायर्ड है वैसे ही कुछ माइक्रो न्यूट्री भी रिक्वायर्ड होते हैं तो माइक्रो न्यूट्रियट्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आता है नाइट्रोजन फॉस्फरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर तो ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स और उसका सोर्स है सॉइल जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसमें आते हैं आयरन मैग्नेस बोरॉन जिंक कॉपर मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। तो ये बोथ जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है एज वेल एज जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इनके जो सोर्स है वो है सॉइल तो प्लांट्स की जब ग्रोथ होती है तो प्लांट्स के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट जो है ये प्रेजेंट अगर होते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है या फिर जहां पे हम इल्ड की बात करते हैं हायर इल्ड या जो प्रैक्टिसेस हम कैरीड आउट करने वाले उस प्रोसेस के लिए तो इसमें न्यूट्रिय का जो सप्लाई होता है प्लांट्स के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है तो इसमें प्लांट्स के लिए जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं मैन्यूर्स या फिर फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके इन न्यूट्रिएंट्स की वहाँ पे फुलफिलमेंट करते हैं क्योंकि ये नेसेसरी होते हैं न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट के सोर्सेस हैं जो हम ऐड कर सकते हैं उस क्रॉपिंग फील्ड पे तो यहाँ पे मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐसे दो फॉर्म्स हैं जिसमें से क्या होता है न्यूट्रिएंट का सप्लाई किया जाता है प्लांट्स को तो पहले हम देखते हैं उसमें से मैन्यूर्स तो मैन्यर्स क्या होते हैं तो मैन्यस जो है वो सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर का और ये जो मैन्यर्स है ये प्रिपेयर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट और ये जो एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट है इसको डिकम्पोज करके मैन्योअर का फॉर्मेशन किया जाता है तो ये जो मैन्योअर्स है इनके कुछ फॉर्म्स हैं जिसमें से यहाँ पर हमने थ्री फॉर्म्स लिए कम्पोस्ट वर्मी कम्पोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर तो इसमें कुछ डिफरेंसेस है वह हम देखते स्टडी करते कि ये क्या फॉर्म्स हैं मैन्यर्स के तो जो कम्पोस्ट होता है तो कंपोस्ट फॉर्म करने के लिए एनिमल एक्सक्रीटा या फिर काउडंग जो होता है किचन वेस्ट जो प्लांट के रिमेंस होते हैं या फिर वेस्ट फूड होता है तो इसको डीकम्पोज किया जाता है पीट्स में और डीकम्पोजिशन के बाद इससे क्या बनता है कंपोस्ट बनता है तो विलेजस में कहाँ कहाँ पर अभी भी देखने के लिए मिलता है कि कुछ जो फार्मर जो है जो कि फार्म पे वहाँ पे ही उनका अगर घर है वहाँ पे रहते तो वहाँ पे पिट बनाया होता है जिसमें डेली जो कैटल्स है तो उनका जो डंग होता है वो वहाँ पे डाला जाता है जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है जो किचन वेस्ट होता है तो वो पिट में ही रेगुलरली वहाँ पे उसको डिपॉजिट किया जाता है उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका डिकम्पोजिशन जो है वो डिकम्पोजिशन होने के बाद उससे कंपोस्ट का फॉर्मेशन होता है और वो कंपोस्ट फील्ड पे लाया जाता है तो ये जो कंपोस्ट है ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से बनता है जिसमें एनिमल एक्सक्रीटा लाइक काउडिंग किचन वेस्ट प्लांट रिमेंस एंड वेस्ट फूड डिकम्पोज किया जाता है जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है वर्मी कंपोस्ट तो वर्मी कंपोस्ट जो है ये प्रिपेयर किया जाता है बाय यूजिंग अर्थवर्म्स तो अर्थवर्म्स जो है इनको फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है तो क्यों इनको फ्रेंड ऑफ़ फार्मर कहा जाता है तो इनके बहुत सारे कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जिसकी वजह से जो सॉइल है वो पोरस बनती है और ये जो अर्थवा में ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में भी हेल्पफुल होते हैं इनकी जो बर्ंग हैबिट है उसकी वजह से सॉइल का लूजनिंग होता है और वहाँ पे जो वाटर ड्रेन की जो प्रॉपर्टी है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होती है इनक्रीज हो जाती है जो थर्ड वन है वो है ग्रीन मैन्योर तो हमें नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या यूज़ किए गए ग्रीन प्लांट्स तो कुछ ऐसे ग्रासेस या कुछ ऐसे प्लांट्स है जैसे कि सन सनहम्प इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं तो इस प्लांट्स को क्या किया जाता है ग्रो किया जाता है और उसके बाद प्लोइंग की प्रोसेस से उनको मल्च किया जाता है सेम फील्ड पे तो इस मल्चिंग की वजह से क्या होता है ये जो प्लांट्स होते हैं तो ये रिच सोर्सेस होते हैं फास्फोरस एंड नाइट्रोजन के इसकी वजह से वो जो वहाँ पे लेयर होता है या सॉइल प्रेजेंट होती है तो उसमें ये न्यूट्रिएंट वहाँ पे ऐड हो जाते हैं तो और एक तरीका है जैसे कि ग्रीन मैन्यस को हम हमने कहा कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स को ग्रो करते हैं वैसे और एक हम बात कर यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम ग्रो करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स को तो उसके जो पॉड्स होते हैं वही हमारे लिए यूजफुल है उसमें से हम सीड को सेपरेट करते हैं और उसको सीड को सेपरेट करने के बाद अगर हम वही प्लांट्स प्लोइंग की प्रोसेस मल्च करते हैं उसी सेम फील्ड में तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट पे प्रेजेंट होते हैं तो वो भी वहाँ पे उस सॉइल में वो प्रेजेंट रह सकते हैं जो कि यूजफुल माइक्रोब्स हैं प्लांट्स के लिए नेक्स्ट क्रॉपिंग जो हम वहाँ पे लेने वाले हैं क्रॉप उस फील्ड पे हम लगाने वाले हैं तो उसके लिए ये क्या है बनता है सोर्स बनता है रिच सोर्स बनता है नाइट्रोजन का तो इसकी वजह से ग्रीन मैन्यूर्स भी हेल्पफुल है तो ये कुछ हमने फॉर्म्स देखे हैं मैन्यूर्स के तो अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की तो फर्टिलाइजर्स जो है ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंसेस हैं और इनके अगर हम कंटेंट देखते हैं तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फास्फोरस है नाइट्रोजन है और पोटेशियम है और ये जो फ़र्टिलाइजर्स होते हैं ये इजीली एब्सॉर्ब होते हैं प्लांट से है, क्योंकि ये क्या होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं तो ये है फर्टिलाइजर्स तो हमने अभी दो टाइप्स के यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट के सोर्सेस देखे फर्स्ट वन हमने मैन्यूर्स देखा सेकेंड वन जो है वो फर्टिलाइजर्स देखा तो फर्टिलाइजर जो है ये इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं तो इसमें अगर हम देखते हैं तो अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स को तो बहुत सारे पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए तो इसमें जो मैन्यर्स है ये प्लांट्स के लिए यूज़फुल होते हैं वैसे अगर फर्टिलाइजर्स हम देखते हैं तो फर्टिलाइजर्स का अगर हम ओवर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये फर्टिलाइज़र जो है ये प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर जो है यानी कि जो मैन्यर्स होते हैं इसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट अ टाइम हमें मिल जाते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजर्स में ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये स्पेसिफ़िक न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट को वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं तो जो यूज़ होता है फ़र्टिलाइजर्स का ये अगर हम बहुत हैवी uh, या लार्ज अमाउंट में अगर फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है ये उस सॉइल पे या जो सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है तो उस पर ये इफ़ेक्ट दिखाता है तो एज़ कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स जो मैन्यूर्स होते हैं ये यूजफुल होते हैं प्लांट्स के लिए और ये जो फर्टिलाइजर्स है ये केमिकल सब्सटेंसेस होने की वजह से ये क्या करते हैं जो हार्मफुल माइक्रोब्स है वहाँ पे तो इनके ऊपर भी अपना इफेक्ट दिखाते हैं तो यहाँ पे हमने मैन्यूर्स फर्टिलाइजर्स जो कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंडर हमने ये दो पॉइंट्स पढ़े हैं तो आज के होमवर्क में डिफरेंस बिटवीन मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स ये लिखना है क्वेश्चन नंबर वन डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्वेश्चन नंबर टू वॉट आर द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रियस रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स एंड क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ये है जो मैन्यूर्स uh, है वो एज़ कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स प्लांट्स के लिए कैसे यूजफुल है ये थ्री क्वेश्चन आज के होमवर्क में सॉल्व करने हैं